हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आए हो, बच्चे होंगे तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हेड वॉश। ये वो हेड वॉश है जो आप रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के 3 दिन बाद करते हैं तो काफ़ी लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिससे बालों में बैंड आ जाता है बाद में। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपको 3 दिन बाद जब कस्टमर को बुलाना है तो किस तरीके से करना है हेड वॉश। मैंने 3 दिन पहले इनके बालों में रिबॉन्डिंग करी थी तो 3 दिन इनके पूरे हो चुके हैं। आज मैंने इनको बुलाया हेड वॉश के लिए। इनका हल्का सा बैंड आ गया था क्योंकि ये जॉब करती हैं तो इन्होंने बालों में लगा लिया था क्लेचर। 3 दिन तक बालों को ना बांधना होता है ना क्लेचर लगाना होता है, बट इनकी मजबूरी थी तो इन्होंने क्लेचर लगा लिया। लेकिन मैं इनका हेड वॉश इस तरीके से कर दूंगी कि सारा बैंड अभी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट का करना है हेड वॉश। कैराफाइन शैम्पू होना चाहिए हेड वॉश के लिए। मैंने कैराफाइन शैम्पू लिया था हेड वॉश के लिए। कोई भी कंपनी का आप शैम्पू ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने वीडियो थोड़ी शॉर्ट में बनाई है और थोड़ी बहुत वीडियो स्किप भी हो गई है। तो सबसे पहले मैंने इनका करा हेड वॉश कैराफाइन शैम्पू से। बहुत अच्छे से आपको हेड वॉश करना है 2 बार कम से कम, क्योंकि 3 दिन तक इनके बाल बिल्कुल भी वॉश नहीं थे तो थोड़ी गंदगी भी जम जाती है बालों में। तो देखिए, अब मैंने इनका हेड वॉश कर दिया है कैराफाइन शैम्पू से और 20% बालों को सूखने देना है और उसके बाद 80% गीले बालों में ही मैं लगाऊंगी स्पा क्रीम। आप हेयर मास्क भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगाएं। मैंने हेयर स्पा क्रीम लगाई थी क्योंकि मेरे पास स्पा क्रीम थी और इनके बालों का मुझे बैंड ख़त्म करना था, इसलिए मैंने स्पा क्रीम लगाई। मैंने इनके गीले बालों में लगाई स्पा क्रीम। आपको भी गीले बालों में ही स्पा क्रीम लगानी है। 20% बस थोड़ा ड्राई होने चाहिए, 80% गीले बालों में ही आप स्पा क्रीम लगाइए इस तरीके से। तो देखिए, मैंने भी इस तरीके से क्रीम लगाई है। थोड़ा मैंने स्पा क्रीम ज़्यादा ली है, आप कम क्वांटिटी में लें। मैंने थोड़ा इसलिए ज़्यादा ली क्योंकि मुझे बालों का बैंड करना था एकदम ख़त्म। तो देखिए, आपको भी इसी तरीके से क्रीम लगानी है। मैंने थोड़ी स्पीड वीडियो की कम कर दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके इसी तरीके से पूरे बालों में स्पा क्रीम बहुत अच्छे से लगानी है। स्पा क्रीम हो या आपके पास हेयर मास्क हो, उसी कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी का आपने बालों में रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करी हुई हो। तो देखिए, मैं इनके बालों में 10 से 15 मिनट क्रीम को ऐसे ही छोड़ दूंगी। आपको भी कम से कम 10 मिनट तक बालों में स्पा क्रीम को छोड़े रखनी है। मैंने 15 मिनट तक रखी थी क्योंकि इनके बालों में हल्का वेव था रबड़ बैंड की वजह से, क्लेचर की वजह से। तो 15 मिनट मैंने रहने दी बालों में क्रीम और उसके बाद मैंने प्लेन वाटर से वॉश किया है। कितने लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, स्पा क्रीम लगाने के बाद बालों में दे देते हैं स्टीम। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बालों में बिल्कुल भी स्टीम नहीं देनी होती है। जब स्पा क्रीम हम बालों में लगाते हैं तो 10 मिनट तक बालों में क्रीम ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद स्टीम बिल्कुल भी ना लगाएं, सिंपल प्लेन वाटर से धो दें। तो इनका टाइम हो गया था 15 मिनट कंप्लीट। फिर मैंने उसके बाद प्लेन वाटर से इनका हेड वॉश कर दिया था। तो देखिए, आपको भी 10 से 15 मिनट बालों में ऐसे ही रहने देनी है क्रीम को और उसके बाद एकदम प्लेन वाटर से हेड वॉश करना है। यहाँ पर आप ना कंडीशनर लगाएंगे ना ही आप स्टीम देंगे, सिर्फ सिंपल पानी से हेड वॉश करेंगे।
तो देखिए मैंने भी सिंपल पानी से हेड वॉश कर दिया था और उसके बाद मैं इनके बालों को ड्रायर से सुखाऊंगी 100%। वो वाली वीडियो स्किप हो गई है। तो 100% बालों को सुखाने के बाद इनके बालों में लगाऊंगी हेयर सीरम, कोई भी कंपनी का आप सीरम ले सकते हैं। और फिर उसके बाद बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको प्रेसिंग आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बालों में सीरम लगाएं और ऐसे ही बालों को खुला रहने दें। बाकी आप होम केयर के लिए देंगे, जिस कंपनी का आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कर रहे हो उसी कंपनी का आपको हेयर मास्क और शैम्पू देना है क्लाइंट को, जो वो डेली में बालों में यूज़ करें उसी कंपनी का यूज़ करेंगे तो लंबे टाइम तक रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग चलेगी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, आप 3 दिन बाद क्लाइंट को बुलाएं, सबसे पहले हेड वॉश करेंगे कैराफाइन शैम्पू से, उसके बाद लगाना है आपको 80% गीले बालों में स्पा क्रीम और फिर उसके 15 मिनट बाद आपको बालों को वॉश कर देना है, फिर सुखाना है 100% बालों को ड्रायर से और फिर लगाते हेयर सीरम। मैंने भी लगा दिया हेयर सीरम और फिर बालों को आप ऐसे ही रहने दें। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ना ही बालों में वेव आएगा और बहुत लंबे टाइम तक आपकी स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग चलेगी। तो ये देखिए, ये था इनका फाइनल लुक। जो इनका बैंड था वो भी हो चुका था ख़त्म, क्लाइंट भी बहुत खुश हो गया था। और अब नॉर्मल तरीके से जैसे हेड वॉश करते हैं डेली में, ये हफ्ते में 2 बार 3 बार ये अपने हिसाब से करेंगे। बस आप शैम्पू और हेयर मास्क इनको दे दें। तो ये देखिए इनके बालों में कितनी शाइन आ गई है हेयर सीरम लगा के और हेड वॉश करके। तो ये था इनका फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ पूछना होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। तो देखिए ये था इनका फाइनल लुक।